बनाने के लिए आपको सबसे पहले जो चीज़ों की ज़रूरत है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। सबसे पहले आपको कुछ इस तरह की लेसेस की ज़रूरत होगी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेसेस। आपके पास ये अगर पड़ी हुई है घर पे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ये कुछ मीटर्स के हिसाब से मिल जाती है मार्केट में आराम से। किसी भी फैब्रिक शॉप पर आप जाएंगे, लेसेस वाली शॉप पर, तो आराम से मिल जाएगी। तो ये सारी मेरे पास ऑलरेडी पड़ी थी। इसमें जो ये वाली गोल्डन वाली लेस है, ये भी साड़ी का बॉर्डर था, ये भी साड़ी का बॉर्डर था ब्लू वाला जो ये है। ये देखिए कितनी प्यारी ब्यूटीफुल सी लेस है। और इस तरह से ये है दूसरी गोल्डन कलर की लेस। तो मैं इन तीन टाइप की लेस से तीन टाइप की बेल्ट बनाऊंगी, जो आप साड़ीज़ पे ब्लाउजेज़ के साथ बहुत आराम से पहन के स्टाइल कर सकते हैं। आप अपनी अनारकली कुर्तीज़ के साथ इन बेल्ट्स को स्टाइल कीजिए, बहुत प्रिटी लगती हैं और आप डिफरेंट वेज में इनको स्टाइल कर सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं ये बेल्ट, बिल्कुल ज़ीरो बजट DIY है, बहुत इजी है, तो स्टार्ट करते हैं। ये बेल्ट्स बनाने के लिए जो मेन हमें चाहिए, बहुत ही इजी सी मटेरियल है, कुछ भी आपको बाजार से लेने की ज़रूरत नहीं है। ये मैंने साड़ीज़ पे से उतारी हैं सारी लेस, तो ये मेरे पास अवेलेबल थी क्योंकि मैं साड़ीज़ का रीयूज़ प्रोजेक्ट्स बहुत सारे करती रहती हूँ। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेस, ऑफ कोर्स उसके बाद सीज़र, हुक, कुछ हुक जैसे कि ये हुक होते हैं, ये हमने काफ़ी सारी अपने ब्लाउजेज पे सूट्स पे लगाते हैं, तो इस टाइप का हुक और सुई धागा, बस सिर्फ इस चीज़ की ज़रूरत है और ये आपकी बहुत प्यारी सी बेल्ट तैयार हो जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को। सबसे पहले फ्रेंड्स हम इसको मेजर कर लेंगे अपनी वेस्ट के अकॉर्डिंगली, कि हमारी वेस्ट के अकॉर्डिंगली ये कितना आ रहा है। जैसे कि ये इतना आएगा मेरी वेस्ट पे, तो इतना ही हमने लेना है और इसको हम कट कर लेंगे। इसी तरह से इतने ही साइज पे हम इसको कट कर लेते हैं। इसी तरह से बाकी सारी भी हम इसी तरह से कट कर लेंगे इतने ही साइज की। अभी कट कर लिया है, दो हमने कट कर लिए, अब हम थर्ड करेंगे कट। थर्ड ये कुछ इस तरह से है, अब इसको भी कट कर लेते हैं हम। ये तीनों हमारी बेल्ट्स अभी कट हो गई है हमारी मेजरमेंट के अकॉर्डिंगली। एक बार हम दोबारा से इसको मेजर करके देखते हैं कि सही तो आ रही है। जी हाँ ठीक आ रही है बिल्कुल, और ये टाइट ही रहेगी क्योंकि अगर ढीली होगी तो पेट से नीचे नीचे सरकती जाएंगी, तो इसलिए हम इसको टाइट ही रखेंगे। अब हम इसकी रॉ एजेस को हेम कर लेते हैं। जैसे ये रॉ एज है, अब हम इसको हेम कर लेंगे, इसको अंदर की साइड फोल्ड कर लेंगे अच्छी तरह से और इस पर सिलाई लगा लेंगे। दोनों साइड ऐसे ही करना है, थोड़ा थोड़ा ही हमने मार्जिन लेना है, बिल्कुल इस तरह से इसको हम सिलाई लगा लेते हैं। अब मैं तीनों पे सिलाई लगाने के बाद आपको दिखाती हूँ कैसे लगानी है सिलाई। अब हम इसको इस तरह से फोल्ड करके अंदर की साइड और इसको अच्छी तरह से एक सिलाई लगा लेंगे यहां पर। इसी तरह से दूसरी साइड भी। ये आप ग्लू स्टिक की मदद से भी कर सकते हैं फोल्ड, बट इतनी ज्यादा फिनिशिंग के लिए और अच्छी ड्यूरेबिलिटी के लिए इसके लिए आपको चाहिए कि आप मशीन से ही करिए। अब जैसे कि मेरी इस लेस में नीचे ये रॉ एजेस है, तो मैं इसको अंदर की साइड ऐसे करके फोल्ड करके इसको इस तरह से करूंगी, फ्रंट में ये आएगा और इसको अंदर फोल्ड कर लूंगी। तो फोल्ड करने के लिए भी मुझे इसमें सिलाई लगानी पड़ेगी और मैं अभी सिलाई लगा के आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स अब ये बिल्कुल इतना हो गया है और ये हर तरह से फोल्ड हो गया अच्छी तरह से, पीछे से बहुत क्लीन लुक आया इसका इस तरह से फोल्ड करके। मशीन के साथ करने से ये होता है कि ये बहुत टाइम तक चलेगी और कहीं भी हिलेगी डुलेगी नहीं बेल्ट, बहुत सुंदर लगेगी।
अगर इसको आप साड़ीज के साथ पेयर करते हो या सूट के साथ पेयर करते हो, अनारकली सूट्स के साथ जो प्लेन होते हैं कुर्तीज, उनके साथ आप पेयर कीजिए, एकदम से एक एक्स्ट्रा स्टाइल का एलिमेंट आ जाएगा, बहुत सुंदर लगेंगी ये बेल्ट्स। तो अब मैं आपको एक बेल्ट बना के दिखाती हूँ कैसे बनती है। अब इसके बाद हमने जो करना है, अब हमने इसको एक साइड पे यहां पर आई बनानी है, दो आई बनानी है यहां पर, और यहां हुक लगाने हैं अंदर की साइड, और इसको इस तरह से जैसे बंद हो जाएगी ये, इस तरह से हमने करना है, यहां पर आई बना के लगा देंगे। आप चाहे तो इसमें डोरी भी लगा सकते हैं, जो डोरी से बंद हो जाएगा, फिर डोरी के साइड में आप लटकन भी लगा सकते हैं, बट फ्रेंड्स उसमें थोड़ा ज्यादा पैसा खर्च होता है, उसमें पैसा खर्च होता है, और दूसरी बात ये हमारा जीरो बजट डीआईवाई है, तो हम इसको अब यहां पर हुक लगा के ही बना लेंगे, हुक लगा लेंगे यहां पर, और आई लगाकर इसको अच्छा सा एक देती हूँ मैं गेटअप, और तैयार करके मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसी लग रही है। ये मैंने डीआईवाई फर्स्ट टाइम किया है, और ये देखिए बहुत प्यारा, बहुत सुंदर लग रहा है। ये देखिए, ये हमारी एथनिक बेल्ट तैयार है, एक हुक के साथ मैंने इसे जोड़ लिया है, हुक और आई लगा ली, और कोई जान भी नहीं पाएगा कि ये सूट या साड़ी का हिस्सा नहीं है, अलग से हमने बेल्ट पहनी है। इसी तरह से मैं और बाकी की दो लेसेस की डीआईवाई कर लेती हूँ, और बहुत इजी, बहुत सिंपल है, जैसा कि आपने देखा हार्डली 5 to 10 minutes लगे हैं मुझे इसको बनाने में। और ये देखिए कितनी प्यारी बेल्ट तैयार हो गई है हमारी, मैं खुद ही देख के बहुत हैरान हूँ कि इतनी प्यारी बेल्ट, और आज तक मैंने इसको बनाया क्यों नहीं। तो अगर आप भी ऐसे ही सोच रहे हैं तो जरूर इसको बनाइए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज। मेरा ये पहला वीडियो है इस चैनल पे, आप मुझे वैसे जानते ही हैं, मैं भावना हूँ सेल्फ स्टेटमेंट वाली, और ये मेरा नया चैनल है सेल्फ स्टेटमेंट डीआईवाई, जिसमें मैं आपको ऐसे ही इजी इजी से डीआईवाई दिखाऊंगी, और कैसे आप अपने पुराने चीजों को नया बना सकते हैं। बिल्कुल वेस्ट पड़ी थी ये मेरे पास लेस, और इसे मैंने किस तरह से देखिए एथनिक बेल्ट का रूप दे दिया, और ये सूट साड़ीज के साथ बहुत अच्छी लगेगी। मैं अपने उस स्टाइलिंग वाले चैनल पे इसको स्टाइल करना जरूर दिखाऊंगी, कैसे आप हम इसको स्टाइल कर सकते हैं डिफरेंट वेज में। तो ये डीआईवाई वाला चैनल आपने अगर पहली बार देखा है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। मैंने ये चौड़ी वाली लेस की भी मैंने डीआईवाई कर लिया है, इसको मैंने यहाँ से फोल्ड कर लिया दोनों साइड से, और अब मैं इसके ऊपर बटन्स लगाऊंगी, हुक्स लगाऊंगी। तो हुक इसमें जैसे कि ये देख रहे हैं आप चौड़ी है ये लेस, तो इसके ऊपर मैं दो हुक लगाऊंगी, एक ऊपर की साइड एक नीचे की साइड, क्योंकि ये अगर मैं एक बीच में लगाऊंगी वो पतली थी लेस, तो इसीलिए उसमें एक चल गया हुक, बट इसमें अगर मैं दो नहीं लगाऊंगी तो ये चलेगा नहीं लंबे टाइम तक काम, और ये खुल भी सकता है, तो मैं इसको दो हुक से सिक्योर करूंगी, और हुक लगाने के बाद ये कुछ ऐसी दिखेगी। इस तरह की चौड़ी बेल्ट्स आपने देखा होगा बहुत सारे हमारे कपड़ों पे लगी आती है, बहुत सुंदर लगती है, और ये साड़ीज के साथ अगर आप गोल्डन ब्लाउज और प्लेन साड़ी कोई भी पहनेगी बहुत सुंदर लगेगी ये, आई स्वेयर, ये आप को स्टाइल करके अगर आप देखेंगे ना आप कितनी सुंदर ये बन जाएगी, तो आप खुद ये सोचेंगे कि मैंने ये पहले क्यों नहीं डीआईवाई बनाया। तो ऐसा डीआईवाई जरूर बनाइए, जरूर इस तरह की एक होनी चाहिए आपके पास। तो चलिए मैं अब इसके इसको हुक लगा के आपको दिखाती हूँ कैसा लग रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये दूसरी भी बेल्ट तैयार है, इस तरह से ये दोनों बेल्ट्स हमारी तैयार हो गई हैं, और ये एथनिक बेल्ट्स बहुत ही प्यारी लगती है। इनको मैं स्टाइल करके दिखाऊंगी अपने दूसरे चैनल पे, पूरा वीडियो बनाऊंगी इसके ऊपर, बहुत सारे वेज होते हैं इनको स्टाइल करने के, तो जरूर आप सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे इस चैनल को भी और दूसरे चैनल को भी, सेल्फ स्टेटमेंट दूसरे चैनल का नाम है, जिसमें मैं स्टाइलिंग वीडियोस डालती हूँ, हॉल वीडियोस, जैसे मैंने कुछ खरीदा है तो उसके सारे लिंक्स प्रोवाइड करती हूँ, और यहाँ पर मैं डीआईवाई बनाती हूँ इसी तरह से सिंपल सिंपल। तो बने रहिए स्टाइल स्टेटमेंट डीआईवाई के साथ, अब नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलती हूँ, कुछ बढ़िया सा लेके आती हूँ आपके लिए, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।